કોરોના ને લઈ પહેલા લોકડાઉન માં પાયમાલ થયેલા રિક્ષા ચાલકો માટે તાત્કાલિક સહાય જાહેર કરવા માટે આવે તેવી માંગ રિક્ષા ચાલક એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવી છે। કોરોના ની મહામારી વચ્ચે પહેલા લોકડાઉન માં સૌથી વધુ ખરાબ જે સ્થિતિ હોય તો રોજ કમાવી ખાવા પડવાની થઈ જવા પામી છે। रिक्षा चालकों की हालत में आर्थिक स्थिति कफोड़ी थी गई है। सूरत रेलवे स्टेशन ऑटो रिक्षा एसोसिएशन द्वारा सूरत आरटीओ ने आवेदन पत्र आपी तात्कालिक रिक्षा चालकों ने गुजरात सरकार द्वारा सहाय जाहिर करवाय ते मांग करवाई थी। हम सफी सत्तार भाई मैं सूरत रेलवे स्टेशन ऑटो रिक्षा एसोसिएशन नो प्रमुख छूं। आज रोज कलेक्टर साहेब श्री ने सूरत शहर में 1,10,000 रिक्षा चालकों वती अमरा विविध यूनियन आगेवानो अने पूरा गुजरात राज्य 20,00,000 रिक्षा चालकों ने बे पाड़ी मिली 40,00,000 रिक्षा चालकों की रजूआत करवाया है कि सरकारशीए 3 महीना रिक्षा चालकों ने कोई जातनी कोई सहाय आपी नहीं। ना सूरत शहर में ना गुजरात में कोई भी नेता कोई आगे आया हो एमएलए हो धारासभ्य हो पछी कॉर्पोरेटर हो सरकार हो कोईपण रिक्षा चालकों सहाय मैं आगे नहीं आया। अमे 3 महीना वारंवार सरकार ने विविध आगेवानों ने पछी नेताओं ने बधाने अमे रजूआत लिखित भी करी है सोशल मीडिया मार्फते भी करी है पर कोई भी रिक्षा चालकों सुनवाई हमारा सुधी थी नहीं। रिक्षावाला ने 1 रुपया सहाय नहीं मिली तो आज रोज अमे कलेक्टर साहेब ने आवेदन पत्र आपी अमे अमारी मांगनी मूकी है कि अगर तात्कालिकपणे सरकार अमारी मांगों स्वीकार नहीं करे ने रिक्षा चालकों ने एकाउंट में पैसा नहीं नाखे तो गांधीजी ने मार्गे आना समय में अमार मजबूरन आंदोलन करव पड़ से। सूरत शहर में 1,00,000 रिक्षा चालकों हक मैं रोड पर आशे एम परिवार साथ रोड पर आशे तेनी संपूर्ण जवाबदारी राज्य सरकार की रहे अँ प्रशासन की रहे। जय हिंद जय भारत। अगाउ सरकार द्वारा रिक्षा चालकों फॉर्म भराव्या बाद ऑनलाइन फॉर्म भरवानी बात करी थी जो कि हजू सुधी रिक्षा चालकों ने कई सहाय न मळता आखरे आवेदन पत्र आपी तात्कालिक सहाय अपाई तेवी मांग करवामां आवी छे। अजर कुरेशी, 24 न्यूज।